जब बहुजन समाज पार्टी में बहुजन समाज पर हमला हो रहा है वहाँ आप शांत बैठे हैं, और बहुजन समाज पार्टी के मुखिया पर हमला होता है तो पूरा देश चाहे सड़क पर आंदोलन करना हो, मान लीजिए अभी आपके पास विधायक नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो सड़क तो है, जनता तो है, तो आप क्यों नहीं करते? कि जब सरकार बदलती है तो चेहरा बदलता है, चरित्र नहीं बदलता, और चरित्र बदलने के लिए हमें नागरिक बनना होगा। मुख्यमंत्री कभी काम नहीं करेगा, प्रधानमंत्री कभी काम नहीं करेगा। अभी प्रधान सेवक बोलते हैं मोदी जी, कौन से काम करते हैं, वो तो राजा बनते हैं। चंद्रशेखर और मायावती जी की जो लड़ाई है वो कहीं साइड में हो जाएगी और अखिलेश बाजी मार ले जाएंगे। ये दलितों को दाना डालने का एक प्रयास है। सहारनपुर में मान्यवर कांशीराम मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर एक मुस्लिम नेता के नाम पर रख दिया था। मैं चंद्रशेखर को सामाजिक समानता या सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा महत्व देता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया, और इस समय स्टूडियो में एक खास शख्सियत मौजूद है। वो कैमरे पे आना नहीं चाहते लेकिन बड़ी रिक्वेस्ट की मैंने तो उसके बाद कैमरे पे आए हैं। आप हैं कपिल बर्मन जी। नमस्कार। और कपिल बर्मन जी लगातार सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुजन राजनीति पे। क्या कहेंगे सर, देश में दो धड़े इस समय हो चुके हैं बहुजन राजनीति के। एक तरफ तो अभी उभरता हुआ सितारा चंद्रशेखर हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारी जो जड़ है बहुजन समाज पार्टी और उसकी मुखिया बहन जी। तो क्या लग रहा है कि आने वाला वक्त बहुजनों का है, क्योंकि वो कल्पनाएं भी कई बार कर लेता है कि उसको दलित प्रधानमंत्री भी चाहिए, उसे शासन सत्ता चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप किस तरीके से देखते हैं? अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में तो राज बहुजनों का ही होना चाहिए, क्योंकि 85 की कल्पना कर रखी है आपने, तो राज तो उन्हीं का होना चाहिए। और अगर बहुजनों का राज नहीं है तो इसका मतलब लोकतंत्र अभी परिपक्व नहीं हुआ है, अनपरिपक्व है। और बात रही बहुजन समाज पार्टी या उसका विकल्प, तो बहुजन समाज पार्टी का विकल्प तलाश रहा है युवा। युवा है वो तलाश रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक नॉन एजिटेशनल पार्टी शुरू से रही है, उन्होंने एजिटेशन किया ही नहीं। कहीं बलात्कार होता है, कहीं मर्डर होता है, कहीं कुछ भी होता है, तो वो ये कहते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो व्यवस्थाओं को सुधारेंगे। तो जो युवा होता है, जिसका गर्म खून होता है, जोश होता है, वो जोश उसका ठंडा होता नजर आया। लेकिन जब 2018 में एक सहारनपुर में घटना होती है, शब्बीरपुर घटना, और उस शब्बीरपुर की घटना में जब उसका विरोध होता है अत्याचार का, और वो विरोध राष्ट्रीय स्तर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो अपनी छाप छोड़ता है, उस समय चंद्रशेखर एक जो युवा नेता थे वो बाहर आते हैं और वो एक उम्मीद बन के आते हैं देश के दलितों के लिए, कि अगर इस देश के अंदर अन्याय अत्याचार होता है उसके लिए मैं खड़ा हूँ, चाहे मुझे मरना पड़े, मैं कुछ कर ना पाऊँ वो विषय नहीं है, विषय ये है कि मैं कंधा बनूँगा। और युवा वर्ग ने उसे स्वीकार किया, एक उम्मीद बनी, वो चंद्रशेखर एक उम्मीद बनी, एक कंधा बना, एक विश्वास बना कि अगर इस देश के अंदर कोई राज्य, कोई स्टेट दलितों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो चंद्रशेखर सड़क पर संघर्ष करने के लिए खड़ा है। और ये पिछले 3 सालों में 4 सालों में देखने को मिला, देश के कोने कोने पर वो पहुंचा, और उसके परिणाम भी हुए, सरकारें हिली, सरकारों ने तुरंत, कई बार तो ऐसा हुआ, राजस्थान की घटना जब जालौर में हुई और जब वो जालौर कूच किया तो उससे पहले ही मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने सारी व्यवस्थाएं कर दी, ऐसी घटनाएं हुई। तो आज का युवा विरोध चाहता है, अन्याय अत्याचार और शोषण के खिलाफ विरोध चाहता है। बहुजन समाज पार्टी वहां कहीं नजर नहीं आती, बहुजन समाज पार्टी स्थायी सरकार की बात करती है। और यही कारण रहा कि आज धीरे धीरे
बहुजन समाज पार्टी यहाँ से भी चली गई। लेकिन तमाम लोगों से मैंने बात भी की है, उनके पदाधिकारियों से, तो वो लगातार ये बात कह देते हैं कि ठीक है हम लोग उस तरीके का प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बहुजन समाज है वो गरीब है और वर्तमान में जो सत्ता है वो लगातार जो है मुकदमे और बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर कर सकती है, तो इसलिए हम लोग जो है इस तरीके के जो है प्रोटेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमारा समाज तो पहले से लुटा पिटा है, तो इस तरीके की वो स्टेटमेंट देते हैं। नहीं, लेकिन जब जब बहन जी के ऊपर कोई आरोप लगाता है, कोई आदमी आरोप लगाता है, तो हम पूरे देश के अंदर हंगामा कर देते हैं, पूरे देश में हम तोड़फोड़ करने की बात करते हैं, पूरे देश में हम आंदोलन करने की बात करते हैं, धरने की बात करते हैं। और एक जब गरीब व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो हम कहते हैं एजिटेशन नहीं करेंगे। भाई ऐसा क्यों? जब बहुजन समाज पार्टी में बहुजन समाज पर हमला हो रहा है वहां आप शांत बैठे हैं, और बहुजन समाज पार्टी के मुखिया पर हमला होता है तो पूरा देश हमलावर हो जाता है। ये तो दोगला बात है, ये तो लोकतांत्रिक नहीं है। अगर आपका स्वभाव है एजिटेशन नहीं करना है, वो चाहे वो बहन जी हो चाहे एक आम बहुजन हो, तो नहीं करना तो नहीं करना, अगर करना तो सबके लिए करना। अगर ये नीति हो जाए कि बहुजन समाज के किसी भी व्यक्ति का अगर शोषण होता है या उसके मौलिक अधिकारों का स्टेट हनन करती है और उस प्रत्येक हनन पर वो बोले, बहन जी की स्टेटमेंट हो, ट्वीट तो करती है, ट्वीट कर देती है कभी कभार। आपकी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर पर आप बात करें, संघर्ष करें उसको न्याय दिलाने के लिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जाना हो, चाहे वो मिनिस्टर होम से बात करनी हो, चाहे सड़क पे आंदोलन करना हो। मान लीजिए अभी आपके पास विधायक नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो सड़क तो है, जनता तो है, तो आप क्यों नहीं करते? तो ये सारी बातें वोट को प्रभावित करती है। वो वोट से ही मेरा आशय भी है वर्मन जी, क्योंकि दो धड़े जो हैं अब बहुजन समाज में हो गए हैं। एक तरफ चंद्रशेखर के साथ लोग हैं, आज़ाद समाज पार्टी के साथ लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ बीएसपी के साथ हैं और मजबूती के साथ हैं। तो आपको नहीं लगता जब ये इलेक्शन का दौर चलेगा तो उस इलेक्शन के दौर में कहीं ना कहीं वोट डिवाइड होगा, और फिर जो जो एक कल्पना जो दलित समाज कर रहा है कि शासन सत्ता में ये लोग आएंगे तो हमारा कहीं ना कहीं भला होगा, तो वो तो किस तरीके से पूरा होगा फिर? शासन सत्ता में आना और न आना ये एक भ्रामक प्रचार है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति, आखिरी पायदान पे बैठा व्यक्ति भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सत्ता में है, बशर्त वो अपने नागरिक अस्तित्व को जान ले। ये भ्रामक प्रचार है कि हम सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे। सत्ता में तो चार बार रहे बहुजन समाज पार्टी, काम भी तो उसी तरीके से। बहुजन समाज पार्टी चार बार रही, क्या गांव के ग्राम सचिव ने रिश्वत नहीं ली? क्या पुलिस ने पैसे नहीं लिए? क्या पटवारी ने? जब हर सरकार में व्यवस्था जो की तू थी तो सब सरकार बदलने से क्या होता है? तो मेरा तो ऐसा मानना है कि जब सरकार बदलती है तो चेहरा बदलता है, चरित्र नहीं बदलता। और चरित्र बदलने के लिए हमें नागरिक बनना होगा, हमें बहुजन, मूल निवासी, हिंदू, बजरंग दली, पिछड़े विछड़े सब छोड़ के, ये राजनीतिक फंड है, हमें नागरिक बनना होगा। और नागरिक बन के हमें अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा, और नेता और नेता के अधीन जो प्रशासन है, अधिकारी कर्मचारी, उनको सेवक को सेवक मान के उनसे काम लेना होगा। मुख्यमंत्री कभी काम नहीं करेगा, प्रधानमंत्री कभी काम नहीं करेगा। अभी प्रधान सेवक बोलते हैं मोदी जी, कौन से काम करते हैं? वो तो राजा बनते हैं, वो तो किसी को कहते हैं कि राष्ट्रद्रोही है, किसी पे NSA लगाते हैं, किसी की CBI और किसी की ED लगाते हैं। सवाल यह है कि जब तक नागरिक नहीं बनता इस देश का व्यक्ति, तो लोकशाही की कल्पना बेमानी है। लोकशाही का मतलब जहाँ लोग शासक हों, और लोक शासक लोकतंत्र का स्वभाव है। हम कहते हैं कि मायावती बनेगी तो बनेगा, या अखिलेश यादव बनेंगे तो, अखिलेश ने तो ऑस्ट्रेलिया में होटल बना लिया अपनी, उन्होंने कहीं और बना लिया होटल, ये क्यों डर रहे हैं सारे के सारे लोग? अखिलेश जी के नाम से मुझे याद आया कि अभी हाल ही में उन्होंने काशीराम जी की मूर्ति का अनावरण किया है, तो क्या लग रहा है कि चंद्रशेखर और मायावती जी की जो लड़ाई है वो कहीं साइड में हो जाएगी और अखिलेश बाजी मार ले जाएंगे? ये दलितों को दाना डालने का एक प्रयास है, विफल प्रयास कह सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि ये वही अखिलेश यादव हैं
जिन्होंने अपने राज्य में, अपने राज के समय, राजकाल काल में सहारनपुर में मान्यवर कांशीराम मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर एक मुस्लिम नेता के नाम पर रख दिया था। ये वही कांशीराम के वो चिंतक हैं। तो ये दोनों विचारधारा अलग है। जितना मुलायम सिंह जी ने दलितों का उत्पीड़न किया या दलितों की सोच को दबाने का प्रयास किया, उतना उनका विकास हुआ। उधर बहन जी ने जितना उनकी बात को काटने का प्रयास किया, जैसे मान लीजिए उन्होंने चार जिले बनाए, चार जिले के नाम उन्होंने बदल दिए, फिर इन्होंने जो बनाए उन्होंने बदल दिए। तो विरोध की राजनीति थी, लेकिन लोकतंत्र में विकास की राजनीति होनी चाहिए। संगत आपकी सोच होनी चाहिए, जहाँ समानता, स्वतंत्रता और बंधुता मौलिक नैतिक और राजनीतिक मूल्य हो, तब जाके विकास होगा। नहीं तो ये पिछड़ों में, दलितों में, अगड़ों में, हिंदू में, मुसलमान में बट के इस देश को फिर गुलाम बनाएंगे। ये निश्चित रूप से तय है कि चंद दिनों बाद फिर देश गुलाम बन जाएगा। अच्छा, वर्तमान का जो सिनेरियो है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? फिर से मैं उसी पॉइंट पे आता हूँ जहाँ से हमने शुरुआत की थी, कि वर्तमान का जो सिनेरियो है उसमें आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या चंद्रशेखर और मायावती अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं तो क्या होगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो, मैं चंद्रशेखर को सामाजिक समानता या सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा महत्व देता हूँ। चंद्रशेखर अभी युवा हैं। चंद्रशेखर ने इन छोटी सी उम्र में सामाजिक सुरक्षा का जो कवच दिया और जो सुरक्षा का भाव पैदा हुआ, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राजनीति में सफल होते हैं नहीं तो बहुत दूर की खोड़ी है, लेकिन इतनी सी उम्र में जो उन्होंने दिया है वो बहुत बड़ा काम है और ये साधुवाद के पात्र हैं। इस बारे में इसको मैं इतना ही कहूँगा, इसका कहना ठीक नहीं रहता। ये बात कपिल वर्मन जी थे, तमाम बातें आपने सुनी हैं। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर करें। धन्यवाद।